उसने कहा, बाहुबली में काम करने के लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। क्या है वो जिसके दीवाने हैं प्रभास? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है माई YouTube चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले साल रिलीज़ हुई फिल्म बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन दोनों सीक्वल रिलीज होने के बाद से ही बाहुबली 3 की चर्चा होनी शुरू हो गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने कहा कि फिल्म बाहुबली 3 अगर कभी भी बनती है और निर्देशक SS राजामौली उन्हें इसके लिए पेशकश करते हैं तो वह उसमें काम करने के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो सब छोड़ देंगी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं बाहुबली 3 में एक्टिंग करने के लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, वह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। काजल अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने बाहुबली में अभिनय नहीं किया, लेकिन उन्हें फिल्म को लेकर गर्व है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। आपको बता दें कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बाहुबली जैसी फिल्में काफी महंगी होती है और वे राजामौली से काफी प्रभावित है जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान मिली। आपको बता दें कि जुलाई 2015 में रिलीज हुई बाहुबली द बिगनिंग 600 करोड़ रुपए की कमाई करने के साथ हिंदी में डब हुई ऐसी पहली फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो फिल्म बाहुबली 3 ये सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। और ये भी देखना होगा कि क्या बाहुबली 3 में काजल अग्रवाल को लिया जाता है या उनका ये सपना हमेशा के लिए एक सपना ही रह जाता है। बाहुबली द बिगनिंग की लोकप्रियता इतनी फैली है कि दर्शक इसके मुख्य किरदार बाहुबली यानी कि प्रभास के हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि बाहुबली 3 में प्रभास की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम बाहुबली 3 से जोड़ा जा रहा है और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो प्रभास द बाहुबली इसी बाहुबली से बने हैं। वर्तमान में प्रभास फिल्म राधे श्याम और आदि पुरुष के लिए काफ़ी पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने 4 माह तक जी तोड़ मेहनत की और पूर्ण रूप से अपना डाइट चार्ट का पालन भी कर रहे हैं। इसके लिए प्रभास को जंक फूड, मीठा और आइसक्रीम खाना सख्त मना है, लेकिन अगर बात आइसक्रीम की हो तो अभिनेता को रोकना काफ़ी मुश्किल है। प्रभास से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि अभिनेता को आइसक्रीम बेहद पसंद है और उनका पसंदीदा फ्लेवर फ्रूट एक्सोटिका है, जिसे वो सख्त हिदायत के बावजूद भी कभी कभार खा ही लेते हैं। चलिए, आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीक्रास्ट स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।